कि आज सेकंड सिटिंग में मैंने बताया था कि जर्नी होने वाली है, तो जिस तरह का कंडीशन था ना, जो रेलवे स्टेशन में भीड़ थी उसे देख के काफी डर भी लग रहा था। जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक नई ट्रेन जर्नी में। आज की जर्नी हमारी होने वाली है भाई गोवा के मडगांव से शुरू, और आज जिस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं ना, इसका ट्रेन नंबर 17310 वास्को डा गामा यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि वास्को डा गामा से यशवंतपुर के बीच चलने वाली भाई डेली रनिंग एक्सप्रेस ट्रेन है। और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ, अनाउंसमेंट हो चुका है हमारी ट्रेन का, वो आएगी भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो भाई चलिए पहले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, और ट्रेन का जब अराइवल होता है तब आपसे मिलते हैं। बाकी भाई बहुत ज़्यादा रश है यार बेंगलोर मडगांव के रेलवे स्टेशन में। बाकी यहाँ पर एक चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना, अगर आपका मोबाइल डाउन है ना तो भाई चार्जिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत ही लिमिटेड चार्जिंग सॉकेट है यार, और बहुत ज़्यादा क्राउड। तो भाई मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुका हूँ, और हमारी ट्रेन बस अब से 5 से 7 मिनट बाद अराइव हो जाएगी। बाकी मैं अगर इस ट्रेन की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ये वास्को डा गामा से यशवंतपुर के बीच 653 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 14 घंटे 10 मिनट में। और भाई इस ट्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है बेंगलोर से गोवा के बीच, क्योंकि इसका टाइमिंग काफ़ी लोगों को सूटेबल रहता है। रात में आप गोवा से निकलेंगे, सुबह बेंगलोर पहुंच जाएंगे। बेंगलोर से भी सेम यही रूट, यही टाइमिंग रहती है, रात में चलती है, सुबह आपको गोवा पहुंचा देती है। इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और तभी अभी आप देखेंगे मैं बिल्कुल आगे आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के। अब प्लेटफॉर्म के इतना आगे आने का मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज की जर्नी हमारी किस में होने वाली है। आज जर्नी करने वाले सेकेंड सीटिंग यानी कि जनरल क्लास में। तो फाइनली यार अब हम लोगों ने ट्रेन को बोर्ड कर लिया है, और देख लीजिए आज सेकंड सिटिंग में मैंने बताया था कि जर्नी होने वाली है, तो हमने अपर बर्थ घेरी, क्योंकि अपर बर्थ पे ये है ना कि थोड़ा बहुत अब आराम भी मिल जाएगा, सो भी सकते हैं। बाकी मैं कोच की आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, ये कुछ रहता ही है भाई सेकेंड सिटिंग का एरिया, इधर देख लीजिए ऑलमोस्ट तो ट्रेन खाली है, थोड़ी बहुत आराम से आपको जगह मिल जाएगी, लेकिन फिर भी भाई जिस तरह का कंडीशन था ना, जो रेलवे स्टेशन में भीड़ थी उसे देख के काफ़ी डर भी लग रहा था। तो मेन फोकस तो यही था कि अपर बर्थ घेरनी है। बाकी मैं अपर बर्थ पे हूँ, अब से कुछ देर बाद ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है, और फिर रात भी काफ़ी हो चुकी है यार, इस रूट पर ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, इसीलिए तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। दोस्तों डे 2 यशवंतपुर एक्सप्रेस की जर्नी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने वास्को डा गामा से 457 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का था, हम आ चुके हैं इस ट्रेन के हॉल्ट नंबर 13 यानी कि बिरूर जंक्शन, और यहां पर हमारी ट्रेन अपने ऑन टाइम पर पहुंची है, और यहां पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और स्टेशन बहुत प्यारा है, छोटा सा स्टेशन है, देख लीजिए भाई साफ सफाई, और भूख भी बहुत लग रही है यार। दिक्कत ये है कि ना सेकंड सीटिंग में ट्रेवल कर रहे हैं, और हमारा जो कोच है ना बिल्कुल इंजन से लगा, वही इंजन लगा है और ये अपना कोच, और खाने पीने के शॉप्स बहुत पीछे हैं, और ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं। अब इतना दूर जाना भी यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ यहाँ पे आता है तो भाई ज़रूर लेके खा लेते हैं यार, क्योंकि कल शाम को ही लास्ट टाइम खाया था कुछ हल्का फुल्का, उसके बाद से तो भाई कुछ खाया नहीं है। और इधर एक चीज़ और कहते हैं कि भाई चाय वगैरह बहुत अच्छी मिलती है स्टेशन पर भी, चाय या कॉफ़ी अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, तो देखते हैं यार कुछ मिलता है तो। बाकी डिपार्चर होने वाला है, डिपार्चर भी ले लेते हैं, और डीजल एल को भाई लेके जा रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल कोच से लगा हुआ इंजन है, क्या साउंड दे रहा है यार, बहुत प्यारा। चलिए पहले भाई कुछ खाने पीने को लिया जाए, अगर शरीर में दम रहेगा तो फिर आपसे बात बात भी हो ही जाएगी। और ट्रेन देख लीजिए वास्को यशवंतपुर, वास्को डा गामा काफ़ी बड़ा हो जाता है नेम, इसलिए सिर्फ वास्को लिखा हुआ रहता है। तो भाई 2 मिनट के स्टॉप के बाद अपना यहाँ से डिपार्चर हो चुका है बिरूर जंक्शन से, और बिरूर जंक्शन 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। अब कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि बिरूर को जंक्शन क्यों कहा जाता है, यहाँ से कौन कौन सी लाइन जाती है। और एक चीज़ और यार, साफ़ सफाई तो भाई एक नंबर है, सेकेंड सिटिंग भी इतना नीट एंड क्लीन हो गई है, कभी लगता देख लीजिए ये वॉश बेसिन की कंडीशन है, मिरर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ये टॉयलेट एरिया, टॉयलेट तो भाई बिल्कुल साफ है, मैं अभी फ्रेश भी हुआ हूँ, बिल्कुल साफ आराम से। और ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली है, रात में थोड़ी सी भर गई थी, लेकिन हुबली के बाद में लगभग हमारा जो कोच है पूरा खाली हो चुका है, इतना कुछ खास भीड़ भी नहीं है। अब देख लीजिए एल को लगा हुआ है ना, अब हल्का हल्का साउंड फील कीजिए इसका, इसका जो यार
बड़ा तगड़ा लगता है मेरे को एकदम। तो दोस्तों मडगांव से 503 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का हम आ चुके हैं हमारी ट्रेन के हॉल्ट नंबर 14 अरसी कैरेज जंक्शन, और यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है ना बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है। बाकी अब यहाँ से थोड़ा सा क्राउड बढ़ने लगा है क्योंकि अब यहाँ से बेंगलोर भी ज़्यादा दूर नहीं है, और टाइमिंग ऐसा है कि स्टूडेंट वगैरह जाना थोड़ा सा प्रिफेयर भी करते हैं। इसके साथ ये चीज़ अच्छी हुई है कि भाई इस स्टेशन के एंड पे आकर भी काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं खाने पीने की, तो यार चाय ले लेते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ मिलता है साउथ का अगर वो ले लेते हैं उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेन रुकेगी भी नहीं, डिपार्चर भी हो जाए। तो भाई अपने वो चाय मिल गई है यार, तो साउथ में सुना है कि चाय कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो टेस्ट करते हैं पहले इसका। इसमें तो एक ठीक ठाक है, अगर ट्रेवल कर रहे हो उतना तो आप ज़्यादा होप भी नहीं कर सकते कि स्टेशन वगैरह ज़्यादा अच्छी मिल जाए, लेकिन ना ठीक है, बस अदरक वगैरह अगर थोड़ा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब चाय तो मिल गई है, ब्रेकफास्ट और देखते हैं यार, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई फाइनली मैंने तो ब्रेकफास्ट में हमने इडली बड़ा लिया है, साउथ में आए तो यार साउथ का ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं। 2 इडली एक बड़ा और नारियल की चटनी हमें पड़ा है 40 रुपीज़ का। अगर अपनी चाय है तो चलिए पहले टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। टेस्ट काफी अच्छा है यार, खाने लायक चटनी, लेकिन बहुत स्पाइसी है। जब तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश होता तब तक हम पहुंच गए हैं हॉल्ट नंबर 15 टिपटूर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और यार WDP 4D का भाई हॉन्ग, और जब तक मैं बाहर आकर आपसे कुछ बात करता तब तक भाई डिपार्चर हो गया यार यहाँ से। अब 2 मिनट का हॉल्ट है यार, जब तक आप उठ के आएंगे तब तक भाई डिपार्चर हो जाता है। थोड़ा सा यार तबीयत ख़राब हो गई है भाई, ठंड लग गई है यार, अब कोल्ड वोल्ड हो गया है, लेकिन है दवाई है मेरे पास, तो अभी मैं उसको खाने वाला हूँ। खाने के लिए भी पानी है, मतलब पानी भी नहीं है मेरे पास। वास्को डा गामा से 599 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं इस ट्रेन के हॉल्ट नंबर 16 यानी कि तुमाकुरु, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। बाकी रेलवे स्टेशन देखिए यार, कितना प्यारा रेलवे स्टेशन है भाई, इधर देखिए और इधर अपना डीजल लोकल WDP 4D और इधर ट्रेन, और बाकी हमारी यहाँ पर किसी ट्रेन बाकी यहाँ पर हमारी ट्रेन ने किसी ट्रेन को यार ओवरटेक भी किया क्योंकि ट्रेन इधर खड़ी हुई है और हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। डिपार्चर होने वाला है, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यार, क्या मतलब बहुत टाइम बाद मैंने कोई जर्नी इतना एंजॉय की है। अब क्लिप्स में तो आपको इतना नहीं देखने को मिला क्योंकि भाई मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा था, फील कर रहा था इस जर्नी को, क्योंकि कभी कभी करना भी चाहिए यार, लेकिन अब कंटेंट बनाना भी आपके लिए ज़रूरी है तो वो तो बना ही रहे हैं, और अब तक वीडियो देख लिया है ना यहाँ तक तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो और शेयर कर दो भाई। आगे अब आपको ऐसी ऐसी जर्नी देखने को मिलने वाली है ना कि बस आपको वाह क्या बात है भाई। अभी किसी चिकबाड़बर अरे यार क्या प्रोनाउंस करूँ इसको, चिकबाड़बर रेलवे स्टेशन पर रोका गया है यार, क्या अजीब नाम है भाई इधर स्टेशनों के। और ट्रेन अपनी ऐसा है ना बिल्कुल करीब पता है 45 मिनट बिफोर चल रही है, इसीलिए इसको यहाँ रोका गया। और इसके साथ साथ हम लोग ऑलमोस्ट ऑफिशियली बेंगलोर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, इधर अपनी ट्रेन खड़ी हुई है, इधर हम खड़े हैं, और आप लोग अपने घर में होंगे, जॉब पे होंगे, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, और साफ़ सफाई बहुत है इधर के स्टेशनों पे। मेरे को पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, जितने भी साउथ में रेलवे स्टेशन पड़े हैं ना आपको
20-20 मीटर पर दो दो डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे, ब्लू एंड ग्रीन। अब ये तो आप जानते हैं कि ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन किस लिए होते हैं, ब्लू होता है सूखा कचरा के लिए, ग्रीन होता है गीला कचरा के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है यार इधर, और स्टेशन वगैरह भी बहुत साफ साफ है, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। तो आई थिंक नॉर्थ में भी ऐसा कुछ कर किया जा सकता है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन रहते भी हैं डस्टबिन वगैरह काफ़ी रहते हैं, बट यार लोग ले जाते हैं कुछ लोग घर पे या तो कुछ उसको डैमेज कर देते हैं। अगर ऐसे रहे तो साफ़ सफाई भी काफ़ी रहेगी, क्योंकि यार अपना ही देश है, सब कुछ अपना ही है, तो हम ही को साफ सुथरा रखना है। बाकी देखते हैं भाई यहाँ से कितनी देर में डिपार्चर होता है। फाइनली अपने ऑन टाइम से ऑलमोस्ट 40 मिनट बिफोर हम पहुंच चुके हैं वास्को डा गामा से। 663 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद इस ट्रेन की डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन इस ट्रेन के हॉल्ट नंबर 16 यानी कि यशवंतपुर जंक्शन। और वही क्या रेलवे स्टेशन है यार, इस स्टेशन को ऑलमोस्ट मैं 5 साल बाद आ रहा हूँ, बिल्कुल ही चेंज हो गया यार। पहले जब मैं लास्ट टाइम था तो ये जो बिल्डिंग पीछे आप देख रहे हो ना, ये इस समय इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अब तक बन के तैयार हो चुकी है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस भाई बहुत तगड़ा रहा, बहुत अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब ट्रेन आपको इतना बिफोर पहुंचा दे ना, बाकी फिर क्या कह सकते हो, बेस्ट ट्रेन है ये बेंगलोर से गोवा जाने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ इस जर्नी को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये जर्नी, ये ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जर्नी में, एक नए सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।